इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की, और आप इसको अल्फा से प्रदर्शित करती हो। अब यहां यह समझना है, कभी कभी इसे अंग्रेजी में टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और कभी कभी टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं। डिफरेंस क्या है? वैसे एक ही चीज है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस, अगर ये टी पे ले रहे हो आप तो आर जीरो वन प्लस एल्फा टी, आर टी का मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध, आर जीरो का मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध, और वन अपनी जगह हो गया एल्फा और टी। यहां एल्फा जो है उसको कहते हो आप प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए लिखना चाहें तो रेजिस्टिविटी का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको आप कहते हो, तो उसके लिए लिखेंगे इसको तो रो, और टी डिग्री सेल्सियस पे तो रो टी खाने वाली रोटी नहीं है लेकिन, और रो जीरो वन प्लस एल्फा और ये टी। सिमिलर किया फॉर्मूले में बिल्कुल, जैसे कि कल हमने लेंथ वाला फॉर्मूला लिखाया आपको, एरिया वाला लिखाया, वॉल्यूम वाला लिखाया, बिल्कुल सिमिलरिटी है। अब यहां तो इसको कह देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर इस फॉर्मूले में इसको देखेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बात एक ही है और एक ही चीज है, कभी कभी न्यूमेरिकल में प्रतिरोध ताप गुणांक कह दे या प्रतिरोधकता ताप गुणांक कह दे, एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको अल्फा की जगह पे यूज कर लोगे। बात समझ में आ गई? पहली बात, ठीक है। अगर बात आती है इसकी वैल्यू निकालने की तो वो मैंने पहले भी बता दी थी, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आप यहां से अल्फा की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हो तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो का मल्टीप्लाई कर दो अल्फा टी, इधर आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी, और एल्फा निकालोगे तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए इसकी, कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए और प्रतिरोध ताप गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक की बात करें तो आप इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी दे रखी है वहां पे, भाई अगर क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध दे रखा है तो इससे करोगे, और प्रतिरोधकता अगर दे दी जाएगी तो फिर आप यहां पर रो लगा दोगे तीनों जगह, सही है ना? तो क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एक जैसा तरीका है। अब बात ये आती है कि भाई पहले इसके यूनिट की बात करिए, हालांकि मैं उसकी यूनिट मैंने वहां भी बताई थी। आप देखिए फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, अगर कुछ भौतिक राशि आपस में प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली उनकी विमा और उनके यूनिट सेम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ते और उनकी विमा या मात्रक उनके सेम ना हो। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 मीटर प्लस 2 किलोग्राम, अब जोड़ो, नहीं जोड़ पाओगे भाई, 2 मीटर में 2 किलोग्राम को कैसे जोड़ देंगे हम, समझ गए ना? इसका मतलब वो कहना ही गलत है, इस तरह से आपको दिया ही नहीं जाना चाहिए था। तो जब भी दिया जाएगा तो सेम यूनिट की बात कही जाएगी या सेम डायमेंशन की बात कही जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप क्या देख रहे हैं, हालांकि आप यहां से भी निकाल सकते थे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां से भी इसकी यूनिट निकाल सकते हो, नहीं तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि वन में प्लस हो रहा है अल्फा टी, इसका मतलब जो मात्रक वन का है वही मात्रक होगा अल्फा और टी का, और भाई वन तो एक नंबर है, वन का तो कोई मात्रक नहीं होता, इसका मतलब अल्फा और टी का भी कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा इंटू टी विमाहीन या मात्रकहीन, यानी उसको वन कह सकते हो क्योंकि वन तो विमाहीन और मात्रकहीन है। अब तुम्हें चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और उस हिसाब से मात्रक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस की पावर माइनस 1, और केल्विन के रूप में भी कह सकते हो प्रति केल्विन या फिर केल्विन की पावर माइनस 1। तो इस तरह से भी का आप इसका मात्रक याद रखोगे। दूसरी एक और बात आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आर टी माइनस आर जीरो, इन दोनों का मात्रक डिग्री सेल्सियस ही आएगा, सॉरी ओम आएगा क्योंकि प्रतिरोध है, आर टी माइनस आर जीरो
क्योंकि माइनस या प्लस होने से मात्रक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ये मान लो 10 ओम और ये 2 ओम, तो 8 ओम, तो मात्रक तो ओम ही आया ना, इसका मतलब इन दोनों का मात्रक ओम आएगा, इधर इसका भी मात्रक ओम, तो ओम से ओम कैंसिल, तो क्या बचा 1/टेम्परेचर, यानी 1/टेम्परेचर का मतलब वही डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, तो मात्रक समझ में आ गया। अब अगर आप बात करते हो कि भाई अल्फा की बीमा निकालिए, अल्फा की बीमा की बात करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, यहीं से निकाल देते हैं। टेम्परेचर के लिए जो बीमा यूज की जाती थी वो थीटा यूज की जाती थी, या कुछ बुकें ऐसी भी है जहां के को लिख दिया है, इसका मतलब थीटा है तो थीटा की पावर माइनस वन, या पूरी बीमा लिखना चाहते हो तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो थीटा की पावर माइनस वन, इस तरह से आप उसकी बीमा निकाल दोगे। अब रही थोड़ी सी बात और समझने की, एक्चुअल में आपने कल क्या पढ़ा था, जब हम ताप के साथ जब चालकों के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या चालकता की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि चालकों के लिए अगर आप चालक ले रहे हो तो चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, इसका मतलब आर बढ़ गया, लेकिन आर का फॉर्मूला क्या आया है, आर का फॉर्मूला है आर जीरो वन प्लस एल्फा टी, वैसे देखा जाए तो आर इज इक्वल टू आर जीरो और प्लस करके आ जाएगा, या वैसे ही समझ लो, अब आप कह रहे हैं चलो इसको रहने दो ऊपर से ही समझ लो कोई परेशानी नहीं है, यहीं से समझ में आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस एल्फा टी, आप कह रहे हैं कि चालकों का प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब ये कब बढ़ेगा भाई, ये तब बढ़ेगा जब एल्फा आपका होगा धनात्मक, क्यों, क्योंकि जब इसमें वन में ये प्लस होकर के आएगा तभी तो बढ़ा हुआ माना जाएगा, अगर ये वन में माइनस होकर के आ जाता तो क्या आर टी की वैल्यू आर जीरो से ज्यादा आ जाती, फिर तो कम आ जाती है, अगर बीच में यहां माइनस साइन आ जाता मान लो तो फिर आर टी की वैल्यू तो आर जीरो से क्या हो जाती, कम हो जाती, इसका मतलब अगर तुम्हें बढ़ा करके लाना है तो एल्फा डेफिनेटली कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी तरफ आप अचालक की बात कर रहे थे, अचालक और अर्धचालक दोनों के लिए बिल्कुल सेम था, इन दोनों के लिए क्या हो रहा था, प्रतिरोध घट रहा था, इनके लिए प्रतिरोध की वैल्यू कम हो रही थी, अब लेकिन फॉर्मूला वही है फिर भी, और ये प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इनके लिए अल्फा कैसा होगा, ऋणात्मक। तो कभी कभी एक नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो बस इतना ही बनता है कि अल्फा की वैल्यू यानी प्रतिरोध ताप गुणांक की जो वैल्यू है किसके लिए, चालकों के लिए कैसी होती है, बस एक नंबर में तो आप बता दोगे धनात्मक, और फिर कहेगा कि अचालक के लिए या फिर अर्धचालक के लिए कैसी होती है, तो ऋणात्मक। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और अर्धचालक और अचालकों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में हमने कई चीजें समझ ली, हम कोई न्यूमेरिकल आ जाए उसकी वैल्यू पूछे उसको निकाल सकते हैं, हम उसकी बीमा बता सकते हैं, उसका मात्रक बता सकते हैं, साथ ही साथ वो चालकों के लिए पॉजिटिव होगा और अचालक और अर्धचालकों के लिए नेगेटिव होगा। इसके बाद मान लो इसकी परिभाषा और पूछ ली जाए, तो अगर आप इसकी परिभाषा निकालने की बात करेंगे तो यहां से परिभाषा देनी पड़ेगी आपको, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल करती आएगी। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आर टी माइनस आर जीरो, और इधर आर जीरो हो गया, या तो आर जीरो को कुछ वन मान करके चलिए, जब भी आप गणितीय परिभाषा देते हो तो उसमें अपॉन में जो चीजें आती है उनको वन मान लिया करते हैं, और वन मान करके परिभाषा परिभाषित उसको किया जा सकता है। तो अगर आप आर जीरो को मान लो वन मान लें, टी को वन मान लें वन डिग्री सेल्सियस, तो एक तरह से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो, यानी डिफरेंस प्रतिरोध में परिवर्तन। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है एकांक प्रतिरोध के लिए उस प्रतिरोध में परिवर्तन के बराबर होता है जबकि ताप में वृद्धि वन डिग्री सेल्सियस की गई है। तो जब भी मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें लिखनी होती है नीचे की चीजों को वन मान करके आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू दिस, और ये क्या है प्रतिरोध में परिवर्तन, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध में परिवर्तन के बराबर होता है। लेकिन कब होता है उस बात को बता दूं, जरूरी नहीं है मैं जो शब्द कह रहा हूं वही लिखो,
कब होता है उस बात को बता दो, जब आर नॉट की वैल्यू 1 ओम है और टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक वाला कंप्लीट। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान देना, जहां आपने ये चीज पढ़ी थी कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो वहां एक लंबाई लिया था पहला पॉइंट, दूसरे में क्षेत्रफल लिया था, तीसरे में मेटेरियल की बात कही थी जो प्रतिरोधकता वाली बात आ गई थी, हाँ, और चौथे में लिखा था ताप के साथ परिवर्तन। तो अब आपका वो ताप वाला परिवर्तन वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका। ऐसे ही हम बात करें रजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता जो होती है यानी रो जो है वो एक तो पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, तो मेटेरियल पे, कॉपर है तो उसके लिए अलग होगा, आयरन है तो उसके लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम है तो उसके लिए अलग होगा, उसके साथ साथ वो ताप पर भी निर्भर करता है और उसका भी फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, जैसा कि नाम लग रहा है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अंग्रेजी वाला नाम लग रहा है आपको सुपर कंडक्टिविटी, इसका मतलब लग रहा है भाई एक बहुत अच्छा कंडक्टर होगा, ये तो मतलब लग रहा है सुपर कंडक्टर, जैसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर यानी बहुत अच्छा कंप्यूटर, तो सुपर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी का मतलब जिसमें करंट इजीली पास हो जाए उसको कंडक्टर कहा जाता है, और अच्छी तरह से पास हो जाए यानी एक तरह से जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। भाई प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में रुकावट का, और रुकावट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर बनता चला जाएगा, सही है। अब आपने क्या पढ़ा चालकों के लिए, भाई चालकों के लिए आपने एक बात पढ़ी कि चालकों का अगर ताप बढ़ाएं, चालकों का अगर ताप बढ़ाएं तो आर बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ये चीज आपने पढ़ी कि चालकों का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब मैं कह रहा हूं भाई ताप को कम करो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ताप घटा रहे हैं, अब ताप घटाएंगे तो आर घटेगा। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो जी हमारे पास कोई चालक है और हम इसके टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, जब हम इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है प्रतिरोध कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अचानक किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर होने का मतलब प्रतिरोध शून्य हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर अचानक प्रतिरोध शून्य हो गया, पहली बात तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप। तो इसी में क्रांतिक ताप की भी डेफिनेशन आ गई कि एक ऐसा ताप जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाए उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। दूसरी बात, प्रतिरोध का शून्य हो जाना, ये तो बहुत मजेदार काम हो गया भाई, धारा हमारी जो एनर्जी होती है वेस्ट पीस में होती है, वो जो प्रतिरोध रुकावट करता है, जो पैदा रुकावट होती है धारा के मार्ग में, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, और यहां पे क्या हो रहा है, प्रतिरोध जीरो हो गया, इसका मतलब अब धारा के मार्ग में कोई अवरोध नहीं। अब अगर तुम धारा प्रवाहित कर दोगे उस चालक में, ऐसी कंडीशन में अगर तुम धारा प्रवाहित कर दोगे तो वो धारा, अगर आप सोर्स को भी हटा दोगे, बैटरी लगा दी और धारा प्रवाहित करा दी और बैटरी को हटा दिया, तो भी हो सकता है वो धारा उसमें प्रवाहित होती रहे, काफी समय तक प्रवाहित होती रहे, क्योंकि अब धारा के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इस प्रकार का जो चालक होता है, इस प्रकार का जो कंडक्टर होता है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, और उस चालक की ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। तो एक तो अतिचालकता वर्ड हो गया, एक सुपर कंडक्टर वर्ड, अतिचालक वर्ड हो गया, तो दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध कम करते जाए, ताप कम करते जाए तो प्रतिरोध कम होता जाता है,
और एक स्थिति ऐसी आती है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस निश्चित ताप पर प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है। इस निश्चित ताप को तो क्रांतिक ताप कहते हैं और इस समय उस चालक को अतिचालक कहते हैं और चालक की उस गुण को अतिचालकता कहते हैं, उसकी जो कंडक्टिविटी है वहां पर उसको अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन परेशानी वाली बात कहां है, ये तो बड़ी मजेदार की चीज है। एक बार टीवी स्टार्ट किया और फिर बैटरी हटा दी और चलता रहे, पंखा स्टार्ट किया बैटरी हटा दी और चलता रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल है जब प्रतिरोध शून्य हो जाए, और वो कहां जाकर के होता है? वो होता है क्रांतिक ताप पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। और ऐसा ताप क्या है? आज तक ऐसा कोई भी मेटेरियल नहीं मिला है, ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं मिला है जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम करने लग जाए। यानी अब तक जितने भी कंडक्टर ऐसे खोजे गए जिन्होंने सुपर कंडक्टर का काम किया है, उनका टेम्परेचर माइनस में है, बहुत कम ऊपर की, माइनस का 218, माइनस की 168 या इस तरह का। तो इतना नेगेटिव में टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है जिसमें अभी उसको हम प्रैक्टिकली या व्यवहार में हम उसको यूज में नहीं ला पा रहे हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि भाई सुपर कंडक्टिविटी वाला काम या सुपर कंडक्टर हमें रूम टेम्परेचर पे मिल जाए, तो फिर समझ लो एनर्जी लॉस होने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। और एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जितना हम कोई काम करेंगे उसमें एनर्जी खर्च हुआ करेगी बस, बाकी जो वेस्टेज होती है एनर्जी की वो वेस्टेज नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी।